श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी, ठीक है। तो हिंदी विषय में देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 भक्ति शीर्षक का, जिसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी, दोहा संख्या 7। तो देखिए, 7वां दोहा है बिहारी लाल जी का। बिहारी लाल जी को जानते ही हैं कि गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। जगत जनायो जिह सकलु, सो हरि जान्यो नाहीं। जौ आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। ठीक है, दोहा एक बार फिर सुन लीजिए। जगत जनायो जिह सकलु, सो हरि जान्यो नाही। जौ आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। जगत जनायो, जिह सकलु, सो हरि जान्यो नाहीं। ज्यों आँखिन, सब देखिए, आँखिन देखी जाए। जगत जनायो जिह सकलु, सो हरि जान्यो नाहीं। जौ आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। देखिए शब्दार्थ सुन लीजिए इसका। जगत माने संसार, जनायो माने जो जनाया है, पैदा किया है, बनाया है। जिह माने जिसे, सकल माने संपूर्ण, हरि माने भगवान। जाने हो ना ही, मतलब उसे आप नहीं जानते हैं, उसे अब तक नहीं जाने आप। आँखिन माने आँख, देखिए माने देखना, ठीक है। आँख ने देखी जाए माने ये आँख तो सबको देखती है, लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती, ठीक है।
ठीक है ना। आँख ने देखी जाए मतलब ये आँख तो सबको देखती है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती, ठीक है ना। बात आ रही समझ में ना, यानी कि इस आँख से तो हम आप सबको देखते हैं लेकिन आँख स्वयं आँख को नहीं देख पाती है। यानी कि जब भी आप देखेंगे तो दर्पण की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे सीधे नहीं। यही बात है। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश, पद्यांश में लिखेंगे शुरू का दो शब्द जगत, दर दस करके देखी जाए, इसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ, संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ के बाद हेडिंग देंगे प्रसंग, प्रसंग सुनिए। इस दोहे में ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है। इस दोहे में ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है। फिर प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या, व्याख्या ध्यान से सुनिए। जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय, जब आखिर सब देखिए आँख न देखी जाए। कवि कह रहा है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, ठीक है, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। यह बात तो ऐसी ही रही जैसे कि आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख पाती हैं। यह तो उसी प्रकार की बात है जैसे आँखों से तो सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन आँखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। व्याख्या फिर एक बार ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, संपूर्ण संसार के बारे में बताया है, ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। यह बात ऐसी ही रही
जैसे कि आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती हैं। आँखों से तो सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती हैं। ठीक, फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। यह बात ऐसी ही रही कि जैसे आँखों से तो सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। काव्यगत सौंदर्य नंबर एक, ध्यान से देखिए। इस दोहे में बताया गया है कि संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर की स्थिति से मनुष्य अनभिज्ञ है। नंबर एक में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि संपूर्ण जगत का ज्ञान कराने वाले ईश्वर की स्थिति से मनुष्य अनभिज्ञ है। नंबर दो, इस पद की भाषा या इस दोहे की भाषा ब्रज है। दूसरे नंबर में लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर तीन, इस पद में दोहा छंद है या यह पद दोहा छंद में लिखा गया है। नंबर चार, इस दोहे में शांत रस है। नंबर पाँच, इस दोहे में अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है। ठीक, पाँचवें नंबर में आप लिखेंगे कि इस दोहे में अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है। तो यह रहा बिहारी लाल जी का सातवां दोहा।